हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार सर। स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीसीआई की तरफ से और एक नई नियम जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक नई अपडेट है जहाँ पर ये हो सकता है अगर आपका भी एटीएस का शॉप है या सीएसपी है तो हो सकती है आपके भी शॉप पे छापा मारी। जी हाँ दोस्तों, और आपको जब छापा मारी हो जाती है और आप सही विवरण नहीं देते तो आप पे पेनल्टी लग सकती है और जितना का आप कमाई नहीं करेंगे एपीएस के हिसाब से उतना आपको पे करना हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के नए वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँ। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जितने भी हमारे सीएसपी के भाई हो या फिर एपीएस के संचालक हो, जी हाँ दोस्तों, ये सभी पे जो है नियम लागू होता है। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, सपोज डेट कोई भी सीएसपी या एपीएस संचालक हो दोस्तों, जितना भी दिन भर विड्रॉ करता है मनी वो क्या करता है, उसे सेटलमेंट कर लेता है। और सेटलमेंट किस लिए करता है, केस के लिए सेटलमेंट कर लेता है अपने बैंक अकाउंट पे, एंड बैंक अकाउंट के थ्रू से वो बैंक जाके केस निकाल लेता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, जो आप केस निकाल रहे हो दोस्तों, अगर आपका सेटलमेंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट आप दे रखे हैं तो आपका उसमें एक लिमिट रहता है, एक साल में आप 20 लाख तक का केस विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी निकाल सकते हैं अपने बैंक से, निकालिए या जमा करिए 20 लाख तक का आप ट्रांजेक्शन करते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा करते हैं तो उस पर आपको टीडीएस कुछ ज़्यादा कटता है। टीडीएस क्या कटता है मैं बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप सेविंग अकाउंट से कर रहे हैं और 20 लाख से ज़्यादा का आपका ट्रांजेक्शन हो गया तो 2% का आपका टीडीएस कटता है। सोच लीजिए दोस्तों कि आप 1% करके कस्टमर से लेते हैं और आपके अकाउंट से 2% कटेगा दोस्तों। तो यहाँ पर है बहुत लॉस वाली बात। अब अगर आपका करंट अकाउंट है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो करंट अकाउंट भी खुलवा के रखे हैं, तो करंट अकाउंट है दोस्तों तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि 1 साल में 1 करोड़ का रहता है आपका ट्रांजेक्शन का। उसके ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका यहाँ पर 5% का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, यानी 5% काटा जाता है। और जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने खाते से, सारे पे नज़र रख रही है बैंक, बैंक की नज़र रखती है, तो ये जो जानकारी है एनपीसीआई तक भी जाती है। और एनपीसीआई फिर क्या करती है, जब आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, ज़्यादा हर चीज़ रहता है, तो वो आपसे जो है आपके बैंक अकाउंट को होल्ड कर देगी या फिर आपसे जो है वो सारी डिटेल्स मांगेगी, जो कि एक बैंक जिस तरह से चलता है उस टाइप से, रजिस्टर मेंटेन, आपके शॉप पे सीसीटीवी वगैरह कैमरा वगैरह है कि नहीं है, आप सही रूप से कस्टमर को पैसा दे रहे हैं कि नहीं है, चार्ज ले रहे हैं या नहीं ले रहे, सारा चीज़ वो चेक करता है दोस्तों। उसके बाद ही वो फिर आपको देता। अगर आप हर तरह से सही है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप जो है वहाँ पर बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप सही से रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ना ही आप बैंक का कोई भी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से नहीं चल रहे, जो एनपीसीआई गाइडलाइन जारी करती है उसके हिसाब से नहीं चल रहे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ही हो सकता है लॉस। क्योंकि जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं सारा आपका नज़र अब एनपीसीआई रख रहा है। आप क्या करते हैं, किसी को कैश भी दरकार होता है अकाउंट पे उसको लेना है अगर, तो आप फोन पे गूगल पे कर देते हैं। क्या करते हैं, अपने जितना भी एपीएस के थ्रू से पैसा विड्रॉ किया, सेटलमेंट मारते हैं अपने फोन पे गूगल पे के माध्यम से, आप उसको पैसा भर देते हैं। पैसा देने के बाद जो भी आप चार्जेस होता है 10,000 का 100 रुपया वो आप ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही अब आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब ऐसा भी ट्रांजेक्शन पे अब जो है एनपीसीआई चेक कर रही है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप एपीएस संचालक हो या फिर सीएसपी के संचालक हो तो आप डीएमटी यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, उसमें क्या होगा, आपको कम थोड़ा सा बेनिफिट होगा बट आप सुरक्षित रहेंगे। अपने आईडी से आप डीएमटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए, साथ ही साथ आप बैंक से कैश कम निकालिए। अब आप बोलेंगे कि बैंक से अगर कैश कम निकालेंगे तो मेरे को कैश कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ पर डीएमटी का इस्तेमाल करिए या फिर सीएमएस का। अब सीएमएस बोलेंगे क्या होता है, तो सीएमएस होता है कैश कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत से कंपनी जो ब्रांडेड कंपनी, जो ट्रस्टेड कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, उन सारे पे सीएमएस का सुविधा उपलब्ध रहता है। आप अपने नियरेस्ट फाइनेंस कंपनी से जाके कैश कलेक्शन का भी काम कर सकते हैं, इस पे उल्टा आपको कमीशन भी दिया जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। या फिर मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर कर दीजिए दोस्तों और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कैश ले लीजिए, इस टाइप से आप करिए। ज़्यादा अपने कम से कम अपने बैंक से आप कैश विड्रॉ का काम करिए, जिससे कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर एनपीसीआई का बैंक का जो है आपका ट्रांजेक्शन नज़र कम रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बस मेरा यही कहने का मतलब है, अगर आप भी
एपीएस संचालक है या फिर सीएसपी संचालक है तो यहाँ पर दोस्तों डीएमटी का इस्तेमाल करिए, सीएमएस का इस्तेमाल करिए, मुफ्त डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल करिए। जी हाँ दोस्तों, आप डिस्ट्रीब्यूटर से अपना बात कर लीजिए और उनको बोलिए हम आपका जो है आईडी पे कैश डाल दे रहे हैं, आप मेरे को कैश दे दीजिए। ये जो सर्विस है स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक, सारी ये सारी कंपनी जो है चलाती है मुफ्त डिस्ट्रीब्यूटर का, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कैश ले सकते हैं। या फिर आप फाइनेंस कंपनी जो हो गया, डिलीवरी हो गया, पहल फाइनेंस कंपनी हो गया, स्वतंत्र फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनी होती है उन सभी से आप बात करके उनसे कैश लीजिए और अपने आईडी से, अपने पोर्टल से डायरेक्ट उनको सीएमएस कर दीजिए, कैश कलेक्शन कर लीजिए, जिसपे कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो आप सुरक्षित रूप से करेंगे दोस्तों, और इस पर आपका बैंक का लोड नहीं पड़ता है और बिल्कुल भी आप सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ जितने भी एपीएस संचालक है या सीएसपी संचालक है वो हर साल टीडीएस भरे, आरटीआर भरे, यहाँ पर ही आरटीआर फिल करके अपने जो है जो भी आरटीआर है वो हर साल आप फिल करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो भी अपने नियरेस्ट जो है जीएसटी सुविधा केंद्र या सीएससी सुविधा केंद्र वहाँ पर जाइए, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पर जाके आप अपना आरटीआर जरूर फिल करवाए हर साल। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकेंगे। तो बस मेरा यही कहने का अर्थ है कि अगर आप भी ये काम कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि थोड़े से लालच के चलते अपने शॉप को बंद करवा ले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं इस पे एनपीसीआई सख्त नजर रख रही है और हो सकता है आपसे भी कल को ट्रांजेक्शन का रजिस्टर मांगा जाए। तो आप सुरक्षित रूप से काम करें और सुरक्षित रहे। तो ये वीडियो आपको बताने का यही मतलब था कि आप कम से कम अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ करें। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।